कदामन छोड़ दिया है। सावित्री फुले का बीजेपी को बाय बाय, पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा, बीजेपी पर की आरोपों की बौछार। यूपी के बहराइच से बीजेपी सांसद सावित्रीबाई फुले ने पार्टी को बाय बाय कह दिया है। सावित्री फुले बीते काफी दिनों से पार्टी से नाराज चल रही थीं और पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी कर रही थीं, जिसके बाद उन्होंने अचानक पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। होकर आज 6 दिसंबर 2018 को भाजपा के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रही हूं। बीजेपी छोड़ने के साथ ही सावित्रीबाई फुले ने पार्टी पर आरोपों की बौछार कर दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी दलित, पिछड़ा और मुस्लिम विरोधी है और आरक्षण खत्म करने की साजिश रच रही है। सावित्री फुले यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा बीजेपी बाबा साहब का संविधान खत्म कर देश को मनुस्मृति से चलाना चाहती है। 2018 को दिल्ली में संसद भवन के निकट भारतीय संविधान की प्रतियां जलाई गयी, एवं संविधान मुर्दाबाद का नारा लगाया गया, डॉक्टर अंबेडकर का मुर्दाबाद का नारा लगाया गया, किंतु दोषियों के विरुद्ध न ही देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया और न ही उनकी नागरिकता समाप्त की गई। यह अत्यंत निंदनीय है। नंबर 14, भारत के चौकीदार के पहरेदारी में देश का संसाधनों पर लगातार चोरी कराया जा रहा है, यह अत्यंत निंदनीय है। सावित्रीबाई फुले दलितों की नुमाइंदगी करने का दावा करती हैं और बीजेपी की नीतियों से भी नाराज थीं। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने हनुमान जी को दलित कह दिया। इसी बयान को आधार बनाकर सावित्री ने बीजेपी को दलित विरोधी बताते हुए पार्टी को अलविदा कह दिया। अरविंद कुमार, भारत समाचार, लखनऊ। और अब ये जान भी लेते हैं कि सावित्रीबाई फुले हैं कौन।